लोक साहित्य को भले छोटी चीज़ समझें, शास्त्रीय संगीत में लोक संगीत को भले कमतर समझा जाए, लेकिन ये किसी भी तरह से साहित्य की दृष्टि से भी कम नहीं है और संगीत की दृष्टि से भी कम नहीं है, क्योंकि अगर कम होता तो इसको गिरजा देवी, बेगम अख्तर, बड़े गुलाम अली खां जैसे लोग नहीं उठाते। केवल यह है कि ये बिल्कुल इसको रॉ मटेरियल कहते हैं, वो लोक संगीत है, इसको परिष्कृत कर दिया तो शास्त्रीय बन गया। चैती का साहित्यिक परिवेक्षण, तो चैती शब्द ही कैसे बना? चित्रा नक्षत्र में अण करके गीप लगा के चैत्री बना, चैत्रीन हो गया चैती, उसका अपभ्रंश में आके चैती हो गया। तो चैती पर बिहारी ने क्या कहा, संस्कृत में मधुमास कहते हैं चैत के महीने को। बनारस की चैतियाँ बड़ी मशहूर भी हैं, साहित्यिक चैतियाँ, निर्गुण चैतियाँ। एक पारंपरिक गीत सुना दीजिए। टिपिकल धुन होती है चैत की। कजरी और बारहमासा के बारे में आप कुछ बताइए। कजरी से जुड़े कई गीत हैं, तो कजरी की धुनें भी कई तरह की हैं, बहुत तरह की धुनें हैं। एक कजरी सुना रही हूँ। मिर्जापुर कल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मोहो, सुन कैला बल मोहो, सुन कैला बल मोहो, कचौड़ी गली सुन कैला बल मोहो। एही मिर्जापुर वासे उड़ लई जहजिया, एही मिर्जापुर मिर्जापुर की बड़ी प्रसिद्ध, और इसके पीछे एक कथा है कि एक तवायफ थी गोहरचन, जो कचौड़ी गली की तवायफ थी, और उसका प्रेमी मिर्जापुर में मारा गया, इसलिए कि मिर्जापुर कैला गुलजार, उसकी लाश भी नहीं मिली, कचौड़ी गली कलिया सुनो। यही मिर्जापुरवा से उड़लई जहाजिया, पिया चली गली रंगून। उस समय की बात थी कि रंगून जाके कोई लौटता नहीं है, और देह नून की तरह गलती है, ये कलेजे में घुन लगा, वैद्य भी नहीं जानता। तो ये बहुत मार्मिक गीत है, जैसे पावस का गीत है कजरी। इसके साथ जुड़ा है बारहमासा, चौमासा, छमासा। चूँकि बारहमासा में बारह महीनों का बिरहणी का, उसको बिरहणी के भाव होते हैं, इसलिए उसको बिरहमासा भी कहा जा सकता है, यद्यपि बारहमासा ही प्रचलित है, तो उसमें बारह महीनों का बिरहणी का भाव होता है। हालाँकि ऋतु, जो ऋतु संहार लिखा है कालिदास ने, वो तो छहों ऋतुओं का वर्णन है, तो छहों ऋतुओं में बारह महीने तो आ ही गए, उनका वर्णन है। लेकिन फोक में जैसे पद्मावत ने लिखा है, पद्मावत ने, जायसी ने लिखा है, सूर ने भी लिखा है, भरथड़ी का एक बारहमासा मिलता है। उठो बारी बरस बीतल जाए है, कन्हैया के मनाए दियो ना, उठो बारी बरस बीतल जाए है, कन्हैया के मनाए दियो ना, लौका जला कहे बिजली जे चमके, लौका जला कहे बिजली जे चमके, बिन रे पुरुख के रे नार है, कन्हैया के मनाए दियो ना। इसमें क्या मासा चढ़ा है, तो ऐसा है कि बादल डरवाते हैं, और ये है लौका लोक, बिजली को कहते हैं लौका जी लौका, बिजली से चमके, तो वो सभी महीनों का इसमें वर्णन है। सोहर के बारे में भी, सोहर क्या होता है, इसको कब गाते हैं? सोहर तो बच्चे के जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है, तो जन्म के पहले ही। अब उसमें बहुत तरह के वर्णन होते हैं कि कहीं होता है बांझ का दुख, बच्चा नहीं हो रहा, उसका दुख भी आता है सोहर में। अगर सोहर गाया जा रहा है तो
उसको हर महीने में कैसी फीलिंग होती है प्रेग्नेंट औरत को, वो आता है। फिर हर महीने में उसको साध एक होती है, दोहद, कुछ इच्छा होती है खाने की, वो आता है। और सोहर मतलब जन्म, बच्चे के जन्म के बाद भी सोहर गाया जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद फिर बधाई और सोहर आ जाता है, ये खिलौना आ जाता है। बीन बजावे राजा रंग महल में, मैंने बच्चा रो रहा है अच्छा। तो रंग महल में बीज बीन बजा रहा, देखिए संस्कार में आप जन्म से लेकर मृत्यु तक आइए, तो जन्म के बाद माने छठी हुई, बरही हुई, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, फिर आ जाइए शादी पर। तो शादी में तो इतने तरह के गीत हैं, लड़के पक्ष के अलग, लड़की पक्ष के अलग, चुमावन है, तिलक है, बारात लगना है, गुरहत्थी है, लावा मेराई है, कन्यादान है। कन्यादान का गीत सुनाती हूँ। बड़ा करुण गीत है कि जब आधी रात बीती और बाबा ने कन्यादान किया तो रोते हुए उठे नैहर के लोग, हंसते हुए उठे ससुराल के लोग, और ताल ठोक के दूल्हा उठा कि अब धनी मेरी है। फिर आपके कृष्ण के झूला तो बहुत मशहूर ही है। चौहट एक गीत चलता है बरसात में, मगध में चलता है। तो ये है तो डुएट, मतलब प्रश्न सवाल जवाब में गीत होता है, लेकिन स्त्रियां ही दोनों बनती हैं, पुरुष की तरफ से भी वो जवाब देती हैं और स्त्री की तरफ से प्रश्न भी करती हैं, और दो भाग बन जाते हैं। केवल छठी एक ऐसा गीत है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिवा नहीं चलता, जबकि सूर्य पूजा पूरे भारत में है। जैसा लोग कहते हैं, बहुतों से सुना है कि लुप्त हो रही है, लोक संस्कृति लुप्त होने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि लोक तो नष्ट हो नहीं हो सकता ना, ये तो ये जड़ में है और इतनी गहरी जड़ें हैं कि ये कहाँ तक जड़ें हैं कोई समझ भी नहीं सकता। ये लिखने से नहीं होता है, ये होता है आप श्रुति परंपरा से, आप एक दूसरे से सुनते आए हैं और उसको बढ़ाते आए हैं। तो ये दादी से लेकर इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो समुद्र जैसे, समुद्र भरा पूरा है लेकिन समुद्र खारा क्यों है, नदी मीठी क्यों है, क्योंकि नदी बांटती है। इसलिए चाहे जो हो, भले इसका रूप थोड़ा बदल जाए, भले ये शहरों में कम हो जाए,
लेकिन आज भी बुंदेलखंड में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, पूरी शिद्दत से है और बिहार में भी है।